के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 22 अगस्त को अपने गृह जनपद गोरखपुर आएंगे सीएम योगी। इंजीनियरिंग कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद शाम को बनारस होंगे रवाना। फर्जी असलाह लाइसेंस बनाने के मामले में जिला प्रशासन गंभीर। डीएम ने कहा दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई, नहीं बख्शे जाएंगे इस मामले में शामिल दुकानदार, दलाल व असलाहधारी। महिला के पति ने ठुकराया तो उसकी भाभी ने अपनाया। अपने बच्चे के साथ दर दर भटकने के बाद पहुंची गोरखपुर। बाल संरक्षण अधिकारी ने उनके परिजनों को सौंपा मामला उरवा व बेलघाट थाने का। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष ने महानगर की सफाई व्यवस्था का किया निरीक्षण। संक्रमक रोग चिकित्सालय में गंदगी देख जताया खेद, अस्पताल में चिकित्सकों के ना मिलने पर जताया रोष। एसएसपी की अध्यक्षता में संपन्न हुई एंटी रोमियो स्क्वाड व सभी थानों पर अवैध शराब की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए नामित सब इंस्पेक्टर की बैठक। छेड़खानी की घटना तथा अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के दिए निर्देश। 22 सूत्रीय मांग को लेकर कलेक्ट्रेट और तहसील के कर्मचारियों ने कार्यालयों पर लगाया ताला। प्रदेश सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए किया धरना प्रदर्शन। अंडा उत्पादन के लागत से कम मूल्य मिलने पर पूर्वांचल अंडा उत्पादक कृषक कल्याण समिति ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। किया सरकार द्वारा घोषित MSP पर मक्का उपलब्ध कराने की मांग, जिलाधिकारी ने दिया आश्वासन। कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा लोगों में सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए SSP ने गोरखपुर विश्वविद्यालय से गणेश चौक तक किया पैदल रात्रि गश्त। लोगों से हेलमेट पहनने की अपील, दिलाया सुरक्षा का एहसास। पेट्रोल डीजल में मूल्य वृद्धि को लेकर नगर निगम पार्क में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग। रिजर्व पुलिस लाइन में मनाए जाने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों का SSP ने लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के उपलक्ष्य में समाज सेवी संगठनों द्वारा आयोजित हुआ कार्यक्रम, गरीबों में वितरित किए गए वस्त्र और भोजन। पुलिस विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को SSP ने किया सम्मानित, कहा पुरस्कृत होने से बढ़ता है मनोबल। श्रीमती द्रौपदी देवी त्रिपाठी PG कॉलेज में BEd में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं ने छात्रवृत्ति न मिलने के विरोध में किया प्रदर्शन, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। गोरखपुर पुलिस लाइन में एक NGO की ओर से किया गया पौधरोपण, बड़ी संख्या में शामिल रही महिला 9 प्रशिक्षु पुलिस। और सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच ने किया प्रेस वार्ता, कहा ये मंच कुर्मी समाज के हक की लड़ेगा लड़ाई।